रायबरेली में लगातार बढ़ती जा रही गर्मी और उससे होने वाली बीमारियों ने लोगों को बेचैन कर रखा है। अस्पताल में लगातार दिल की बीमारी, चक्कर आ जाना और अचानक से बेहोश हो जाना, इन समस्याओं को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग भी लगातार बता रहा है कि अभी कुछ दिनों तक गर्मी का प्रभाव बढ़ता जाएगा। गर्मी में बीमारियों के संबंध में आज देवकी बीके मेमोरियल एंड कार्डियोलॉजिस्ट सेंटर के डॉक्टर मनीष मिश्रा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने इस गर्मी से बीमारी के लक्षण साथ साथ उनके उपाय भी बताए और साफ शब्दों में कहा कि जहां तक संभव हो सके धूप में बाहर निकलने से बचने का प्रयास करें, अति आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकलें, पानी का भरपूर सेवन करें। इसी के साथ उन्होंने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर भी कहा कि अभी तक हिंदुस्तान में इस वैक्सीन से किसी की मौत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसके बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा। मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन। मैं देवती बीके मेमोरियल मेडिकल एवं कार्डिक सेंटर रायबरेली में कार्यरत हूँ। आजकल जो गर्मी का जो प्रभाव बढ़ रहा है, इसके अंदर जो आजकल हीट स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक हम तभी बोलते हैं जब किसी मनुष्य का तापमान 140 डिग्री फारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो, तो उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट जो मरीज होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर वातावरण में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो ऑलरेडी वो गर्मी के प्रभाव में की तरफ चला जाता है। अगर वो लंबे समय तक बाहर की तरफ रहेगा और टेम्परेचर आगे बढ़ता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पानी की कमी होने लगती है। कैसे कमी होने लगती है कि हमारा जो शरीर होता है वो बाहर के जब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर जो होता है ज़्यादा पसीना निकालता है। पसीना जब निकालता है तो हमारे शरीर की जो हार्ट की नसें होती हैं वो फैल जाती है, डायलेट कर जाती हैं, जिससे कि पसीना निकलता है। जब वो पसीना निकलता है तो वहाँ का अंदर का जो वैल्यूम होता है, ब्लड वैल्यूम, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट ज़्यादा ज़्यादा तरीके से पंप करता है, जिसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट का जो रेट होता है वो 60 से 90 होता है, जब 90 से ज़्यादा होगा तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। तो उस कंडीशन पर हार्ट ज़्यादा मात्रा में पंप करने लगता है, जिससे कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर जब हार्ट ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा और लेकिन यहाँ पे जो होता है जो ब्लड वैल्यूम कम हो गया है, तो उसकी वजह से जो हार्ट के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं उसमें, उससे गर्मियों में 2 से 4 गुना ज़्यादा उसका बहाव बढ़ जाता, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब ज़्यादा काम करेगा तो उस कंडीशन के हार्ट को भी ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई की चाहिए, लेकिन जब ब्लड का बहाव ही कम हो गया है तो कभी कभी जो होता है हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत से मरीज होते हैं जो गर्मियों में होते हैं, वो खड़े रहते हैं, अचानक चक्कर आके गिर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि सडन अचानक ही उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर गिर जाता है, और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिमाग में सही मात्रा में ब्लड जब आगे नहीं पहुँचता है, तो इसकी वजह से बेहोशी आ जाती है। उपाय क्या है इन सबके? इसका मेन उपाय ये है कि जब कोई व्यक्ति आज की इतनी गर्मी के अंदर, तो हम सबको यही सलाह देंगे आपके माध्यम से कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में घर में रहें। अगर बहुत ही अति आवश्यक है तो जब घर से बाहर निकलें तो टोपी लगाएं या छाता लेके जाएं, साथ में पानी की बोतल लें, जगह समय समय पर पानी पीते रहें, हर 20 से 25 मिनट के अंदर पानी पीते रहें, जो कपड़े पहने ढीले ढाले कपड़े पहने, सूती वाले कपड़े पहने, और चश्मा आँख में चश्मा लगा के चलें, कहीं जहाँ पे रहे जहाँ पे देखें कि जहाँ पे छाए हैं वहाँ पे रुक जाए, यही सब है। और अगर अगर नारियल पानी अगर मिल जा रहा है तो नारियल पानी पिए, नींबू पानी पिए, एक सिकंजी होता है कि एक बोतल ले लें, एक गिलास पानी ले लें, उसके अंदर आधा चम्मच काला नमक डाल दें, आधा चम्मच चीनी और आधा नींबू, और सिकंजी बना के ही घर से साथ में निकलें। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।